हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लर्नर्स, आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो इग्नू से एमए हिस्ट्री करना चाहते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इग्नू से एमए हिस्ट्री करने के पूरे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि क्या एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, और एमए हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, और इसके अलावा हम बात करेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, इसके सब्जेक्ट्स के बारे में, और आप इग्नू में कब एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम बात करें एमए हिस्ट्री के बारे में, मैं आपको उससे पहले थोड़ा इग्नू के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास लगातार डाउट्स आते हैं इग्नू को लेके। उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक डाउट होता है, और वो ठीक भी है, कि अगर वो इग्नू से पढ़ाई करते हैं यानी कि वो इग्नू से किसी भी प्रकार कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री करते हैं, तो क्या वो डिग्री हर जगह वैलिड होगी। तो वो सभी स्टूडेंट्स कुल मिला के एक ही चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या वो इग्नू से जो भी डिग्री करते हैं उसके बिहाव पे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे भी कोई स्टेट PCS हो, UPSC या इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट जॉब हो, उसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल मतलब ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, और जो इसका कर्ता धर्ता होता है वो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय होता है। तो इसलिए आपको ये डाउट तो होना ही नहीं चाहिए कि इसकी डिग्री वैलिड है या नहीं है। और इसे ना आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे CBSE है, तो जो आप CBSE से 10th या 12th जो भी करते हैं, तो वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो हर जगह चलता है, वैसे इग्नू है। बस फर्क सिर्फ एक ही है कि जो CBSE है वो रेगुलर बेस पे पढ़ाई करवाता है, और जो इग्नू है वो ODL से पढ़ाई करवाता है यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड। सो आई होप अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा इसकी डिग्री को लेके। तो चलिए अब MA हिस्ट्री के बारे में डिटेल में बात करते हैं। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि क्या अगर आप MA हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, आपको MA हिस्ट्री करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, क्योंकि इग्नू सिर्फ दो ही प्रोग्राम्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करता है, पहला BEd का और सेकंड है BSc नर्सिंग का। इसके अलावा किसी भी प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाता। हाँ, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं वो मेरिट बेस पे एडमिशन होते हैं, पर MA हिस्ट्री करने के लिए आपको ना मेरिट की आवश्यकता है और ना ही एंट्रेंस एग्जाम की। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और इस पॉइंट में हम बात करेंगे अगर आप MA हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आपका एडमिशन है वो किस मोड में होगा। तो ये आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा। डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट एडमिशन में आपको कुछ नहीं करना होता है। इसके जब एडमिशन के लिए फॉर्म आते हैं तो आपको सिंपली एडमिशन फॉर्म फिलअप करना होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना, बस आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है। और ये एडमिशन फॉर्म कब आते हैं इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि उससे पहले भी बहुत सी चीजें जो आपके लिए जाननी आवश्यक हैं। और अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि आप इग्नू में किन दो प्रकार से एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो पहला मोड होता है वो ODL मोड होता है, और जो सेकेंड मोड है वो ऑनलाइन मोड है। पर मैं आपको ODL मोड और ऑनलाइन मोड के बारे में एक चीज बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन मोड होता है उसमें वो सभी प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं होते जो ODL मोड में होते हैं, और MA हिस्ट्री भी उन्हीं प्रोग्राम्स में से एक है जो आपको ऑनलाइन मोड में नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अगर MA हिस्ट्री करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ODL मोड में ही एडमिशन मिलेगा। और इसमें आपको एक चीज और बता देता हूँ ODL के बारे में जल्दी से। और जब आप ODL मोड में एडमिशन लेंगे तो आपको एक रीजनल सेंटर मिलेगा और एक स्टडी सेंटर मिलेगा, और जो आपकी क्लासेस होंगी वो स्टडी सेंटर्स पर होंगी, और इसके अलावा जो आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं वो भी आपके स्टडी सेंटर पे करने हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिएगी या इसके अलावा आपको आपके कोर्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको रीजनल सेंटर पे संपर्क करना है। तो जब आप इग्नू से MA हिस्ट्री में एडमिशन लेंगे तो उसमें जो आपका प्रोग्राम कोड होगा वो MAH होगा, और ये तो आपको पता ही है कि एक डिग्री प्रोग्राम है। और मोड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ये ODL मोड है यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और जो आपकी MA होगी वो 2 साल की होगी। और इसके अलावा बात की जाए मीडियम के बारे में, तो इग्नू द्वारा ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ऑफर किया जाता है, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज आपको एडमिशन के टाइम पे सेलेक्ट करनी है। और अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर आप MA हिस्ट्री करना चाहते हैं तो इसके लिए बस एक ही कंडीशन होती है कि आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी में ये नहीं होता कि अगर हिस्ट्री से एमए करना चाहते हैं तो आपकी बैचलर्स हिस्ट्री में होनी चाहिए। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बस, वो किसी भी उसमें की हो, आपने इंग्लिश में की हो, पोल साइंस में की हो, या आपने नॉर्मल BA की हो,
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और अब बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस पूरे प्रोग्राम की फीस 13,600 रुपये होती है, पर आपको ये इकट्ठी नहीं देनी क्योंकि ये ईयर वाइज डिवाइडेड होती है। आपको प्रति वर्ष 6,800 रुपये पे करने हैं। और जब आप एडमिशन लेते टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस रजिस्ट्रेशन की फीस भी 200 रुपये होती है। इस प्रकार आपको पहले वर्ष में 7,000 रुपये पे करने हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो इग्नू में फीस है ये हमेशा सेम नहीं रहती, ये हर साल 6 महीने में कुछ ना कुछ फीस इंक्रीज करते रहते हैं। तो ये आपकी मैंने दोनों चीज़ क्लियर कर दी हैं। अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट्स के बारे में। तो इसका जो सब्जेक्ट्स का फॉर्मेट होगा, उसमें जो आपका फर्स्ट ईयर होगा उसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे और सेकंड ईयर में आपको टोटल 7 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और जितने सब्जेक्ट्स हैं इतने ही आपके एग्जाम्स होंगे और इतने सब्जेक्ट्स के आपको असाइनमेंट बना के सबमिट करने हैं। और असाइनमेंट्स के नंबर इग्नू में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपकी ओवरऑल परसेंटेज को बिल्डअप करने में एक क्रिटिकल रोल निभाते हैं। तो जब भी आप इग्नू में एडमिशन ले तो असाइनमेंट पे आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। और अब बात करते हैं आप इग्नू में एडमिशन कब ले सकते हो, यानी एडमिशन सेशन के बारे में। तो इग्नू में एडमिशन लेने के 2 सेशन होते हैं, सबसे पहले जनवरी सेशन और फिर आता है जुलाई सेशन। इस प्रकार आपके पास साल में 2 मौके होते हैं एडमिशन लेने के इग्नू में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनवरी सेशन के एडमिशन कब होते हैं। तो जनवरी सेशन के एडमिशन दिसंबर में स्टार्ट हो जाते हैं। और दिसंबर में भी कब स्टार्ट होंगे, ये आपके दिसंबर की शुरुआत में ही स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि इसके फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकते हैं या फिर इसके सेकंड वीक में स्टार्ट हो सकते हैं। और अब बात करते हैं जुलाई सेशन के बारे में। तो जुलाई सेशन के एडमिशन भी सेशन स्टार्ट होने से 1 महीना पहले स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये भी जून में स्टार्ट हो जाएंगे और जून की स्टार्टिंग में स्टार्ट हो सकते हैं। ये या तो फर्स्ट वीक में स्टार्ट होंगे या फिर इसके सेकंड वीक में स्टार्ट हो सकते हैं। और जो इसके एडमिशन होते हैं वो कम से कम 2 से 3 महीने तो आराम से चलते हैं, तो आपके पास बहुत टाइम होता है एडमिशन लेने के लिए। पर इसमें मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं, अगर आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। और ये बात मैं स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जिनका लास्ट ईयर चल रहा होगा या लास्ट सेम चल रहा होगा, क्योंकि इग्नू में एडमिशन लेने के लिए आपको जो आपकी मार्कशीट है वो और आपका प्रोविजनल वो तो आपके एडमिशन फॉर्म भरते टाइम आपके पास होना ही चाहिए, भले ही आपकी डिग्री आई हो या ना आई हो, पर ये 2 चीजें तो आपको लेके बैठनी है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इसके बाद भी आपके एमए हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट हैं या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और लास्ट में आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसके अलावा आपने अभी तक इग्नू वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल को यहाँ से ऑन कर लेना ताकि इग्नू के सभी न्यूज़ और अपडेट टाइम से आपको मिलते रहें। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो इग्नू वॉइस को इंस्टाग्राम पर और ट्विटर दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। और इनके साथ साथ अगर आपको इग्नू के इंस्टेंट अपडेट्स चाहिए तो आप इग्नू वॉइस का टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।